अमिताभ बच्चन, जया और रेखा के प्रेम त्रिकोण पर दशकों से चर्चा की गई है। 1976 की दो अनजाने के बाद अमिताभ बच्चन और रेखा का ऑन स्क्रीन कनेक्शन लोकप्रिय था। कथित तौर पर उनका वास्तविक जीवन रोमांस खिल गया। किसी ने भी इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। लोग अभी भी रेखा और अमिताभ के प्यार को याद करते हैं। कहानियाँ। अमिताभ ने 1973 में जया से शादी की। अमिताभ एक बार रेखा के कारण जया पर चिल्लाते थे, जबकि जया अक्सर अपना आपा खो बैठती थी। करण थापर ने डेविल्स एडवोकेट द इनसाइड स्टोरी में एपिसोड को याद किया। करण ने बिग बी से उनके अफवाह वाले हुकअप और रिश्तों के बारे में उनका साक्षात्कार लिया। जया के साथ अमिताभ ने शुरू में परवीन बाबी के साथ अफेयर होने से इनकार किया। मेरा भी है, झूठा, नहीं उसके साथ भी नहीं, अमिताभ ने रेखा के बारे में पूछे जाने पर कहा। जया ने कहा, मैं हमेशा अपने पति पर विश्वास करती हूँ। जब उनसे पूछा गया कि क्या उसने उस पर विश्वास किया, अब तक सब शांत था। कौन जानता था कि यह तूफान से पहले था। अमिताभ ने पत्रकार को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया, जहाँ जया ने अपने पति को चावल खिलाया। बिग बी जया पर चिल्लाए, मैं कभी चावल नहीं खाता, मुझे क्यों मिल रहा है कुछ नया। जया ने उसे चावल की पेशकश की क्योंकि रोटियां तैयार नहीं थी। अमिताभ उग्र रहे, चावल नहीं, मैं कभी चावल नहीं खाता, मुझे रोटी की जगह चावल देना बंद करो, मैंने चावल की जगह रोटियां मांगी हैं। क्या गलत है, कैसे, तुम क्यों नहीं सुनोगे, उसने पूछा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह।